हमारे अंदर जो छोटे छोटे स्टेट है, राज्य है, उसको जोड़ता है, और जोड़ने के बाद समन्वय होती है। और इसके लिए मैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद देता हूं, जो आप तो डॉक्टर हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी डॉक्टर बने हैं। आपने वो काम करके दिखाया। मेरे त्रिपुरा राज्य के इलेक्शन के प्रभारी है, आपने बहुत मेहनत की, सुनील जी नीचे बैठे हैं, आपने जी जान लगा दी है, महाराष्ट्र छोड़कर त्रिपुरा को अपना लिया था आपने। आज नेडा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, तो नॉर्थ ईस्ट के नया दिशा देना है, वो दिशा को गति मिल रहा है। यह मेघालय के मुख्यमंत्री बैठे हैं कनराड जी, यहां बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी जो इन्होंने अपने राज्य में 1 किलोमीटर एक रास्ता बनाया है और भी आगे चल रहा है। जो यूज्ड प्लास्टिक है, जो हम रास्ते में फेंक देते हैं, ड्रेनेज में फेंक देते हैं, और उसके बाद ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, तो उन्होंने एक नया दिशा दिया। क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो घर में माए लोग और बहने लोग उसको संभाल के रख देता है, चलो इसको कबाड़ी वाला आएगा तो बेचेंगे, उससे कुछ पैसा मिलेगा। तो इन्होंने वो सोच दिया कि प्लास्टिक के जो लिफाफे है, प्लास्टिक के जो यूज पैकेटे है, उसको घर में रख देना है, उसको खरीदेंगे और खरीद के रोड बनाएंगे, जो कि बारिश नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है, और प्लास्टिक से वो जब रोड बनती है तो टिकसोई भी होता है और यूज प्लास्टिक रास्ता में भी नहीं फेंकता, पॉल्यूशन कंट्रोल भी हो जाता है। ये दिशा कनराड जी ने दिया है, नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री ने दिया है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का जो शुरुआत की है, तो 5 हमारे त्रिपुरा में 5,20,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और उसमें 5,50,000 का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। वो तब ये पूरे देश के लिए घोषणा की है, और साथ साथ मैं असम के मुख्यमंत्री और असम के स्वास्थ्य मंत्री को भी बधाई देता हूं, उन्हें राज्यों के तरफ से भी 2-2 लाख का एक योजना उसी समय घोषणा किया है, तो 5-2-7 लाख गरीबों के लिए चला जाएगा। अंतिम व्यक्ति के लिए अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य को पहुंचाना है। मेरे त्रिपुरा में 2 ही महीना हुआ सरकार आई है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी है, बहुत दुखी थे। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, 25 साल से महिला को, माओं को, माताओं को मुक्ति दिलाना है। त्रिपुरा श्री माता का धरती है, वो मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सभी संगठन का जोर और सब कुछ लगाया। त्रिपुरा में मैं उनको बताना चाहता हूं, काली त्रिपुरा के कैबिनेट ने सिद्धांत ली है, जो त्रिपुरा में पुलिस डिपार्टमेंट पे जो रिक्रूटमेंट होगा, इसमें 10% महिला के लिए आरक्षित रहेगा, क्योंकि माँ को रक्षा करने के लिए माँ ही चाहिए। उसमें त्रिपुरा में नहीं हुई थी इससे पहले। हमने कल रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिक्लेयर किया है माननीय अध्यक्ष जी, इसमें DCB 3 ग्रुप में जो प्रधानमंत्री जी का सोच, उनका जो